गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट विद पेप्टाइड्स इन कंटिन्यूएशन विद द चैप्टर ऑफ अमीनो एसिड्स. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द पेप्टाइड्स. नाउ व्हाट आर एक्चुअली पेप्टाइड्स? वी नो दैट इन अमीनो एसिड्स एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट. जैसा हम जानते हैं या भी हमने पढ़ा है कि अमीनो एसिड्स एक्चुअली क्या है. ऐसे कंपाउंड्स हैं अमीनो एसिड्स जिसमें कि एसिडिक और बेसिक ग्रुप की उपस्थिति होती है, जिससे कि जो आयन बनता है उसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं. यानी एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है उसमें और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है. देयरफॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद अमीनो एसिड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड सो एज टू फॉर्म द सॉल्ट. यानी जब दो अमीनो एसिड्स आपस में इस तरह रिएक्ट करते हैं कि एक का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक का अमीनो एसिड ग्रुप, वो दोनों रिएक्ट करके जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, जैसा कि हम इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं. दो अमीनो एसिड्स जिसमें कि कार्बोक्सिलिक पार्ट और अमीनो पार्ट जो है रिएक्ट करके एक चेन स्ट्रक्चर बना लेता है. तो द प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाई दिस वे कंटेन्स वन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड वन अमीनो ग्रुप. देयरफॉर एट बोथ द एंड्स अमीनो एसिड्स कैन अगेन रिएक्ट. इसका अभिप्राय ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं उसके बाद एक चेन बनती है दो अमीनो एसिड्स के जुड़ने से. फिर अगेन हमारे पास जो रिएक्शन के लिए अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन के रूप में हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है. यानी बार बार अमीनो एसिड उसके साथ रिएक्ट करता चला जाएगा और एक चेन स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता जाएगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाई द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स शो दैट टू अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाई CONH बॉन्ड. तो जो स्ट्रक्चर हम इसका स्टडी करते हैं उस स्ट्रक्चर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है कि जब दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स कंडेंस करके एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं तो ये जो दो अमीनो एसिड्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होती है वो कौन से टाइप की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? CONH बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड. यानी जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर CONH बॉन्ड बनाकर एक चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो तो क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड. और इसके द्वारा जो चेन स्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है वो पेप्टाइड्स की प्राप्ति होती है. देयरफॉर पेप्टाइड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाई द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली पेप्टाइड्स क्या हैं? पेप्टाइड्स वो कंपाउंड हैं जिसमें एटलीस्ट दो अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हुए एक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं. इफ़ टू अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर तो जो पेप्टाइड बनेगा वो क्या कहलाएगा? डाईपेप्टाइड कहलाएगा. ऐसे ही यदि थ्री अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड बनाएंगे. और यदि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हुए अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलीपेप्टाइड्स कहलाएंगे. देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स. तो जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स का भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है या पॉलीपेप्टाइड्स का जिक्र आता है, पर एक क्लियर कट लाइन नहीं है किसके बीच में? पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में और प्रोटीन्स के बीच में. जनरली इफ़ मोर देन 100 अमीनो एसिड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड्स देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन्स. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स ही हैं, परंतु ये पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स हैं जिसमें बहुत अधिक संख्या में, जैसा कि हम कह रहे हैं, एटलीस्ट 100 ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंट टुगेदर फॉर्मिंग ए पॉलीपेप्टाइड विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटीन.
तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं तो दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स विच आर एक्चुअली द प्रोटीन्स। हियर पॉइंट टू कंसिडर इज दैट टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एलेनिन फॉर्म टू टाइप ऑफ डाइपेप्टाइड्स, ग्लाइसिल एलेनिन एंड एलेनाइल ग्लाइसिन। यानी दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में जब जुड़ेंगे तो भी वो दो डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्लाइसिन और एलेनिन यदि जुड़ता है तो यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लाइसिन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, एलेनिन के साथ रिएक्ट हो रहा है और एक डाइपेप्टाइड बना रहा है जो कि ग्लाइसिल एलेनिन कहलाता है। परंतु ये दूसरी तरह से भी जुड़ सकता है जिसमें वो क्या बना रहा है, डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बना रहा है, एलेनिन ग्लाइसिन, ये भी एक डाइपेप्टाइड है। तो यहाँ पर हमारा अभिप्राय ये है कि दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करते हुए दो डिफरेंट टाइप के डाइपेप्टाइड्स भी बना सकते हैं। अब इसी तरह से जब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं कि सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जा सकता है, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स एंड आउट ऑफ दीज सम ऑफ द मेथड्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर गिवन एज फॉलोज। पहला है जैसे फिशर्स सेकेंड मेथड। इन दिस प्रोसेस अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटेक्टेड बाय इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। यानी जब हम फिशर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस में अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप जो है पहले क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और प्रोटेक्शन किससे किया जाता है, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से करते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेंड इज कैरीड आउट विद द एस्टर ऑफ अदर अमीनो एसिड। यानी एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन किस कंपाउंड से कराएंगे, एस्टर ऑफ अदर अमीनो एसिड। तो इस तरह से जब हम पूरी रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं, पहले एक अमीनो एसिड के ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरे अमीनो एसिड के एस्टर से जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम डाइपेप्टाइड को डिराइव करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ग्लाइसिल एलेनिन जो है हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ बर्जमैन्स मेथड। ये जो है ये फिशर्स मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इन दिस प्रोसेस अमीनो ग्रुप इज़ प्रोटेक्टेड बाय कार्बोबेंजाइलॉक्सी ग्रुप। यानी वहाँ प्रोटेक्शन जो है वो दूसरे कंपाउंड से हुआ है, यहाँ जो प्रोटेक्शन हुआ है वो दूसरे कंपाउंड से हुआ है। तो जब हम इसका प्रोटेक्शन कराते हैं, मॉडिफाइड फिशर्स मेथड है एक्चुअली ये, और जब हम इसका प्रोटेक्शन करा के फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो अगेन वी गेट ग्लाइसिल एलेनिन। तो ये भी एक और मेथड है, बर्जमैन मेथड, जिसमें हम रिएक्शन को फॉलो करते हुए हम किसकी प्राप्ति कराते हैं, ग्लाइसिल एलेनिन। ओनली फ़र्क क्या है कि वहाँ उस मेथड में हमने जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया है वो अलग है, और यहाँ पर बर्जमैन मेथड में जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो हमने अलग ग्रुप की जो है उसको यूज़ करते हुए जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्राप्ति कराई। देन द थर्ड मेथड इज एज़ालेक्टॉन सिंथेसिस। पेप्टाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय एज़ालेक्टॉन सिंथेसिस। जिस प्रकार से हम स्टार्ट करें, जैसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की रिएक्शन यदि हम एसिटाइल ग्लाइसिन के से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर जो है हमारे को कंपाउंड की प्राप्ति होती है और हम जो है एक डिफरेंट टाइप का जो डाइपेप्टाइड है उसकी प्राप्ति कराते हैं। तो रिएक्शन जो है स्टेप बाय स्टेप होते ही लास्ट में हम पैलेडियम की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन करा के हम किसकी प्राप्ति कराते हैं, पेप्टाइड्स की प्राप्ति कराते हैं। फिर आते हैं जनरल सिंथेसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड्स। किस तरह से हम जनरल सिंथेसिस कर सकते हैं जो नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड्स हैं। सिंथेसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मैनर। पहला स्टेप क्या है, बाय स्टेप
growth synthesis at carboxylic end of peptide series. Since in this process, possibility of racemization is much more, therefore this process is very less used. यानी जो पहला स्टेप है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ सिंथेसिस कर सकते हैं, कौन से एंड पर, जो कार्बोक्सिलिक एंड है पेप्टाइड सीरीज का, लेकिन इस प्रोसेस में रेसमाइजेशन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है, रेसमिक मिक्सचर्स बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो इस मेथड को जनरली क्या किया जाता है, कम यूज़ में लाया जाता है. दूसरा स्टेप क्या है, बाई द स्टेप ग्रोथ सिंथेसिस एट अमीनो एंड, मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एंड पे हम पेप्टाइड सीरीज़ के कर रहे हैं ग्रोथ सिंथेसिस, लेकिन वो क्योंकि रेसेमिक प्रॉपर्टी शो करता है या रेसमाइजेशन शो कर सकता है, इसलिए हम उसको कम यूज़ करते हैं. दूसरा प्रोसेस क्या है कि उसका जो अमीनो एंड है उस पर हम ग्रोथ सिंथेसिस करें. व्हेन कपलिंग रिएक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनाइल एस्टर एंड डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड इज कैरिड आउट, देन दिस प्रोसेस इज यूज्ड. तो हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम ग्रोथ सिंथेसिस कार्बोक्सिलिक एंड पे भी कर सकते हैं, हम ग्रोथ सिंथेसिस अमीनो एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड वाला जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन, क्योंकि ऊपर वाले फर्स्ट वाले मेथड में रेसमाइजेशन होने का या रेसमिक मिक्सचर्स की प्राप्ति की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं. ऐसे ही जो थर्ड मेथड है भाई, फ्रैगमेंट कंडेंसेशन, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड सीरीज, यानी ऐसी सीरीज जो कि क्या है, लंबी पेप्टाइड चेन्स होंगी, सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड सीरीज बाय स्मॉल एंड सेपरेटली सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स. यानी इसको डायरेक्ट हमने अमीनो एसिड से स्टार्ट नहीं किया, हमने छोटी छोटी पेप्टाइड की फ्रेगमेंट्स बना ली हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स जो सिंथेटिक पेप्टाइड्स की जो फ्रेगमेंट्स बनाई है उनको जोड़ा जा रहा है, किसके लिए, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड सीरीज के लिए. राइबोन्यूक्लियस एंजाइम हैविंग 125 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय दिस प्रोसेस. तो यानी ऐसे पेप्टाइड चेन्स जिसमें कि 124 अमीनो एसिड्स तक भी जुड़े हुए हों, वो भी हमें क्या देगा कि ऐसे कंपाउंड्स की प्राप्ति करा सकता है. तो यहाँ पर हमने पहले फ्रैगमेंट्स का सिंथेसिस किया, फिर उन फ्रैगमेंट्स को कंडेंस करा और हम लॉन्ग चेन या कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड की सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं. फिर इसी में आता है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस. दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड सीरीज लाइक इंसुलिन. मतलब क्या है कि ये ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें कि हम इंसुलिन टाइप के या लॉन्ग पेप्टाइड सीरीज जो हैं उनका सिंथेसिस कराते हैं. दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड सीरीज लाइक इंसुलिन. इन द प्रोसेस अमीनो एसिड्स विच इज एट कार्बन एंड ऑफ पेप्टाइड इज जॉइंट बाई ए सॉलिड पॉलीमर वाया स्टेबल एस्टर बॉन्ड. यानी इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि अमीनो एसिड का वो एंड जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट है उसको किससे जॉइन किया जाता है, एक सॉलिड पॉलीमर से, और किस तरह से, स्टेबल एस्टर बॉन्ड बनाते हुए उसको वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, या उसको सॉलिड पॉलीमराइजेशन करते हुए किसके, एक एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स. तो ये एक स्टेबल एस्टर बॉन्ड बनाएगा, सॉलिड पॉलीमर बनाएगा, जो कि क्या है, जितने भी कॉमन सॉल्वेंट्स में उसमें इनसॉल्युबल है. इन दिस वे इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड बेस फॉर स्टेप इंक्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड. जब वो किसी भी कॉमन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है तो वो क्या करेगा, एक सॉलिड बेस बना लेगा और एक फर्दर सिंथेटिक चेन को बढ़ाने के लिए ऐसे कंपाउंड्स जो हैं एक सॉलिड बेस बनाएंगे. एंड एट द एंड ऑफ द पेप्टाइड सीरीज इट सेपरेट्स फ्रॉम द पॉलीमर. यानी फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, वो रिकवर कर लिया जाता है और पॉलीमर को सेपरेट आउट कर दिया जाता है. तो टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड एक्सेस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन. जैसे हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीकार्बोनिल अमीनो एसिड, ये जब रिएक्शन कराई जाती है क्लोरोमेथाइलेटेड पॉलीस्टाइरीन से, तो यहाँ पर एक हमने क्या कहा कि पहले स्टेप में एक बेंजाइल एस्टर बॉन्ड बना लिया जाता है. तो ये जो कंपाउंड हमारे को प्राप्त हुआ है ये क्या करेगा, ये किसी भी कॉमन सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता,
तो ये क्या बना रहा है, एक सॉलिड बेस बना रहा है जो कि फर्दर क्या करेगा, इट विल गिव अ बेस फॉर द फर्दर सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड चेन। और ये चेन स्टेप बाय स्टेप करते करते यहाँ पर हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, लास्ट में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हो रही हैं और लास्ट में हमें क्या प्राप्ति हो रही है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अलग हो जाती है और जो हमारा पॉलीमर है सॉलिड पॉलीमर वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बाय दिस प्रोसेस वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसिस। तो ये एक तरह का कहा जाए कि इंडस्ट्रियल मेथड है, जो कि एक अच्छा मेथड है जिससे कि हम वेरियस इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है उनको सिंथेसाइज कर लेते हैं। यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लॉन्ग पेप्टाइड सीरीज है, जैसे इंसुलिन है विच इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड कंपाउंड इन डायबिटिक पेशेंट्स, जो कि कितना इम्पॉर्टेंट है, उनको हम इस तरह से सिंथेसाइज करते हैं कि हम जो है कंपाउंड में एक स्टेबल एस्टर बॉन्ड बनाकर एक सॉलिड पॉलीमर के साथ उसका बेस बनाते हैं, फर्दर उसकी चेन को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली बाय अंडरगोइंग वेरियस स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड है या जो हाई फ्रैगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड है वो अलग हो जाता है और जो हमारा सॉलिड पॉलीमर है जो कि रिकवर हो जा रहा है फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, वो हमको अलग उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जो बेसिकली ऐसे प्रोसेस होते हैं, देज आर इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मेथड्स, जिसमें कि हमें जो हमारा इनिशियल कंपाउंड था उसका सेपरेशन हो गया एंड विच कैन बी रीयूज्ड फॉर द फर्दर प्रोसेस। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेंड विच कैन बी सेपरेटेड एंड ईजिली आइडेंटिफाइड and each type of amino acid can be calculated. जब हम polypeptides का structure study करते हैं तो hydrolysis polypeptide का यदि किया जाए, on the hydrolysis of polypeptide amino acids are obtained, क्योंकि हमने initially ही कहा है कि जब different amino acids condense करते हैं by forming a peptide bond तो हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, polypeptides की। तो उसका reverse क्या हो गया, जब हम उनको hydrolyze करते हैं तो on hydrolysis of polypeptide amino acids are obtained which can be separated and easily identified and each type of amino acid can be calculated। यानी हम यदि किसी पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चरल को एनालाइज करना चाहते हैं तो यदि हम उस पॉलीपेप्टाइड चेन का फ्रैगमेंटेशन करें, वो किसके द्वारा होगा, हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम उसका फ्रैगमेंट करेंगे, तो यानी अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, टूट टूट के अलग अलग अमीनो एसिड हो जाएंगे और फिर वेरियस मेथड्स को यूज़ करते हुए हम उन अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उस चेन में किस टाइप का अमीनो एसिड कितनी मात्रा पे प्रेजेंट है, यानी कितने नंबर में प्रेजेंट है। बट द ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड इन द पॉलीपेप्टाइड्स इट्स कैलकुलेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क। पर कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन पर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ा हुआ है, दैट इज़ अ एक्चुअल डिफरेंट एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। यानी हमें चेन में ये तो पता लगा सकते हैं फ्रैगमेंट करने पर कि इसमें कितने अमीनो एसिड्स जुड़े हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड्स जुड़े हैं, पर उनका ऑर्डर जुड़ने का क्या है कि ग्लाइसिन जुड़ा हुआ है, एलेनिन जुड़ा हुआ है, वैलिन जुड़ा हुआ है, किसके बाद कौन सा जुड़ा हुआ है, इसको पता लगाना जो है दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क। टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स कैन बी अटैच्ड इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, मतलब दो अमीनो एसिड्स जो हैं डिफरेंट तरह से भी जुड़ सकते हैं और हमें दो डिफरेंट टाइप के जो डाइपेप्टाइड है उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन एंड एलेनिन का हमने भी पढ़ा था, वो हमें दो टाइप का डाइपेप्टाइड दे सकता है, ग्लाइसिल एलेनिन भी दे सकता है और एलेनिल ग्लाइसिन भी दे सकता है। इन ग्लाइसिन ग्लाइसिल एलेनिन एन एंड ऑफ ग्लाइसिन दैट इज NH2 ग्रुप एंड द कार्बन एंड ऑफ एलेनिन आर फ्री, वेर एज इन एलेनिल ग्लाइसिन एन एंड ऑफ एलेनिन एंड सी एंड ऑफ ग्लाइसिन आर फ्री, यानी ऑपोजिट हो गए। सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड बाई विच सीरियल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन
पॉलीपेप्टाइड्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन. तो मतलब हमारे को दो अमीनो एसिड्स के जुड़ने पर भी जो डाईपेप्टाइड प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग टाइप का प्राप्त हो रहा है. यानी पहला एग्जांपल जो हम ग्लाइसिल एलनिन का देखते हैं उसमें एन एंड तो किसका है, ग्लाइसिन का है, और कार्बन एंड किसका है, एलनिन का है. लेकिन जब हम एलनिन ग्लाइसिन देखते हैं तो जस्ट रिवर्स हो जाता है. अब एन एंड ग्लाइसिन का ना होके एन एंड किसका हो गया, एलनिन का हो गया, और कार्बन एंड एलनिन का ना होके कार्बन एंड किसका हो गया, ग्लाइसिन का हो गया. तो यहाँ पर भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं, जिसमें कि पहला मेथड आता है अमीनो एंड डिग्रेडेशन, जिसमें पहला मेथड है सैंगर्स मेथड. इन दिस प्रोसेस पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग अमीनो एंड्स आर रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर विद सैंगर्स रिएजेंट. सैंगर्स रिएजेंट एक्चुअली क्या है, 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2,4-dinitrophenyl डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज ऑब्टेन. यानी सैंगर्स मेथड में पॉलीपेप्टाइड को हम जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन और फिर सैंगर्स रिएजेंट से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है, 2,4-dinitrophenyl डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड. ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड हैविंग एन एंड gives dinitrophenyl derivative. Rest part of the polypeptide and amino acid derivatives are obtained. The reaction completes in the following way. तो ये जो reaction है वो इस तरह से complete होगी और above derivatives can be identified. ये जो derivatives हमें प्राप्त होंगे वो हम कैसे identify करेंगे, जो thin layer chromatography है उसके द्वारा. In the same way, Sanger's reagent reacts with hydroxy group of tyrosine. These groups of cysteine, imidazole group of histidine to form different dinitrophenyl derivatives which can be identified. तो इसमें क्या है कि जो different dinitrophenyl derivatives बनते हैं जब अलग अलग amino acids हैं, तो उन अलग अलग amino acids की जब हम Sanger's method से reaction कराते हैं तो हमें जो lastly हमें प्राप्त हो रहा है, that compound which is dinitrophenyl derivatives of that particular amino acid, उसका जब वो separation होता है और उसको हम किससे identify, किस method से identify करते हैं, thin layer chromatography से identify कर लेते हैं. But because in this process complete hydrolysis of nitrophenyl derivatives takes place, therefore in polypeptides or protein NN containing amino acids can be identified. तो क्योंकि इस प्रोसेस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव का, इसलिए जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं या फिर प्रोटीन एन एंड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं उनका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. नेक्स्ट मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.